approximately 5-6 minutes ke liye, my neck was on the rod of the barricade and I was stuffed inside the barricade and I had no space to breathe. They were not looking whether it's a girl or boy, they were like brutally beating you anywhere. नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ क्लिक में। हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस पर और आज हम विशेष रूप से डिस्कशन कर रहे हैं फीमेल स्टूडेंट्स के साथ। वी आर टॉकिंग अबाउट वायलेंस एंड स्पेशली वायलेंस विच इज़ बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन विमेन, और ये वायलेंस किस तरह से एक जेंडर्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस है, उनकी क्या टेस्टिमनीज रही हैं, क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं थ्रू आउट, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे 10 फरवरी के मार्च के बारे में, जहां पर जामिया मिलिया से जो मार्च शुरू हुआ था और जो पार्लियामेंट पर जा रहा था CAA और NRC के खिलाफ, और उसमें जितना वायलेंस हुआ बच्चों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह का वायलेंस उस दिन पर देखने को मिला था और स्पेसिफिकली किस तरह की टेस्टिमनीज आपको देखने को मिली हैं कैंपस पर भी और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी। ऑन 10th February जो हमने मार्च निकाला था, उसमें आई वॉज इन द फर्स्ट रो ऑफ द मार्च। हम लोग नारेबाजी करते हुए आके भर रहे थे एंड देर वॉज समथिंग वेरी स्ट्रेंज अबाउट इट, इन द सेंस दैट यू नो पुलिस, वी सॉ दैट बैरिकेड हमें दिख नहीं रहा है, इनफैक्ट पुलिस जो है वो बैरिकेड के आगे खड़ी हुई है एंड देर इज़ जस्ट वन रोप टाइड, देर इज जस्ट वन रोप, देन देर इज सम फीमेल पुलिस, वन रो ऑफ फीमेल पुलिस एंड रेस्ट ऑल CRPF एंड मेल पुलिस मैन मिक्सड देर, एंड वी गॉट वेरी कन्फ्यूज बिकॉज दैट इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन एक्चुअली। सो दे वॉन्ट टू स्टॉप द, देर मेन एम इज, ठीक है, दे वॉन्ट टू स्टॉप द स्टूडेंट्स, विच वी फील इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव अ राइट टू डिसेंट, राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम ये चीज़ कह तो देते हैं राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके साथ ही हम लाइन ऐड कर देते हैं कि आपके पास परमिशन दी, तो हाउ आर वी सपोज टू एक्सरसाइज आर राइट टू डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच इज सपोज टू गिव अस द परमिशन, विल दे एवर गिव द परमिशन? So this argument I feel is very null and void ki we did not have permission, yeah. So the police will stop us. Police is stopping us, that means that our right to dissent has been violated, our fundamental right has been violated right then and there. And on top of that, they know that what they are doing, so they don't really engage with the students. What they do is that they barricade and they stop us from going ahead. But yeah, this time when they chose to stand in front of the barricade with a thin rope tied, they chose to engage with the students rather than vice versa, as people were claiming that when you don't have permission, why did you choose to engage with the police? And a lot of manhandling happened after which they were prepared with. Okay. Which so they were prepared with, yeah. The kind of gear that they were wearing, the fact that they were standing there in front of the barricade, which they knew that the people will, students will at least try to reach the barricade. So they were prepared to engage with the students and they knew that there will be women students. That is why there was one row of women police as token women police. आगे की तरफ जाती हूँ तो लेडीज़ वो लाइक के वो मतलब सच में वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो रो रही थी कि हमें मार रहे हैं, तो वी वॉज लाइक कि मार कैसे रहे हैं क्योंकि लाठी तो चल ही नहीं रही थी, वो हमें दिख ही नहीं रही थी कि लाठी चल कहाँ रही है, कैसे हो रहा है, तो वी वॉज जस्ट कि जब लाठी चल नहीं रही है तो वो पिट कैसे रहे, क्या हो रहा है। तो मैं आगे जाने की कोशिश कर रहे, मैं आगे जा रही थी तो मैं आगे गई हूँ तो एक पुलिस मैन ने मेरी शॉल खींची आगे से, तो आई वॉज लाइक वॉट इज़ दिस, तो वो कहते हैं तुम बचाने आई हो, तुम पहले भी थी, तुम बचा रही थी। मैंने कहा हाँ, तो आप छोड़िए, आप क्यों कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तो उन्होंने लोकल्स की जो लेडीज़ थी उन लोगों को मतलब उनको इतने नीचे नीचे से उन्हें मार रहे थे, उनके पैर पे मार रहे जा रहे थे लाठी से, ऐसे करके मार रहे थे। आई वॉज लाइक आप लोग कर क्या रहे हैं। उन्होंने फिर, मैं बैक की तरफ से हुई हूँ, मैं पीछे हुई हूँ, तो मैं उन आंटी को हटा दी, मैंने कहा आप लोग प्लीज़ साइड हो जाइए, वो लोग आपको मारेंगे। उन्होंने मेरी, मैं उनको हटा रही हूँ, उन्होंने मेरे बैक पे 2-3 लाठी मारी। आई वॉज लाइक, मैं सीधे खड़ी होगी, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग, तो कह रहे तुम्हें बचाना था ना, बचाओ, और तुम और आगे थी ना, आगे और जाओ, आगे और आगे जाओ और बचाओ जाके। मैंने कहा आप छूइएगा भी मत मुझे, आप मुझे मत मारिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हें हटा रही हूँ। तो दे वॉज लाइक नहीं, तुम बचाओ। फिर उन्होंने सदफ़ अपी थी वहाँ पे, उन्होंने सदफ़ को खींचा, उनके हाथ मतलब नोच रही थी वो लोग, दे पिंचिंग, पहले वो हाथ को नोचा उन्होंने, उसके बाद उनके मतलब मेल मेंबर आते थे और फिर वो हमें लाठी मारते थे। मतलब हम लोग फिर आगे वहाँ से मूव, अगर हम आगे जाते थे, हम आगे बढ़ते थे, तो दे वॉज लाइक कि आगे मत आना, आगे आके बचाना मत। हमने कहा क्यों, हम बचाएं भी ना आप लोग हमें मार के। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ मतलब, दे वॉज लाइक
चंदा, उसको वो अगर वो बैरिकेड पे चढ़ी थी, उसके पूरे कपड़े उन्होंने खींचे, बिल्कुल ही मैन हैंडल्ड, मतलब उसका पूरा, उसके कुर्ता पूरा खींच लिया था, उसका कुर्ता ऊपर उठा के उसे मार रहे थे। पहले 13 को मारा, फिर 15 को मारा, फिर 30 को मारा, और अब 10 को मार रहे हैं। तो ये जो पुलिस का ब्रुटैलिटी है वो कंटिन्यू होता जा रहा है, बट इसमें एक चीज़ है जो अलग होती जा रही है और जो इंक्रीज होती जा रही है, वो है द रोल दैट द वुमेन आर प्लेइंग। इंक्रीजिंगली दे आर ट्राइंग टू स्केयर द वुमेन इनटू हाइडिंग, बट इंक्रीजिंगली वुमेन आर कमिंग इन द फ्रंट। इफ़ यू सी द 15 December इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड इन लाइब्रेरी, इन व्हेन पुलिस वैंडलाइज द लाइब्रेरी, आउटसाइड द लाइब्रेरी देयर इज अ वुमेन्स वॉशरूम। पुलिस, मेनी वुमेन हैव सेड दैट दे हैव सीन पुलिस एंटरिंग द फीमेल वॉशरूम्स एंड दे कुड हियर वुमेन क्राई इनसाइड, एंड देयर वाज एलिजेड मोलेस्टेशन देयर। आई से एलिजेड ओनली बिकॉज नोबडी हैज रियली कम फॉरवर्ड विद इट, एंड वी अंडरस्टैंड why we do not want to come forward with it, because there is a lot of trauma and as I put it, shame associated with it, which was intended, that was what was intended, that's what they intended to do. Any Jamia student, we don't feel safe in our campus anymore. Universities are supposed to be our second home, and the police violence and the state, as we call it, state sponsored violence and irresponsibility of administration towards it. We don't feel like and there have been shooting incidents twice in Jamia and once in the vicinity Shaheen Bagh protest area. So these hate speeches which these leaders are giving, and they are initiating these violent incidents, people, like we go out and we feel like we can be shot dead anywhere, anytime. हर एक का एक ही कंप्लेंट था कि छाती में दर्द है, सांस नहीं आ रहा, सबको ऑक्सीजन दिया गया। उसके बाद 4-5 वुमेन कॉन्जिक्यूटिवली जिक्रा केम इन, राफिया केम इन एंड सदफ केम इन, ये सारी औरतें साथ साथ में आई, एंड देयर वाज सो मैनी जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैं बाय फेस जानती हूँ क्योंकि हम प्रोटेस्ट में मिलते रहते हैं और वो यहाँ पर गेट नंबर 7 में आती हैं, वो सब मुझे मिली और उन सब ने, मतलब दे वर ऑल यू नो होल्डिंग देयर, उनका हाथ उनकी छाती पे था, उनके यहाँ पर था कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें पुलिस ने यहाँ पे मारा है, हमें पुलिस ने यहाँ पर मारा है, दे कुडंट ब्रीद। एंड ये सिचुएशन थी कि एक के बाद ऐसे केसेस आ चुके होंगे। एटलीस्ट हम लोगों ने, मतलब पर्सनली आई हैव स्पोकन टू 10-12, बिकॉज आई वॉज बाय द टाइम दैट आई हैड रिकवर्ड समवट, आई हैड रिकवर्ड, आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल, इट वॉज अ क्योस सिचुएशन, आई वॉज स्पीकिंग टू एवरीबडी। उन सब ने बताया, 10-12 लड़कियों ने एटलीस्ट मुझे ये बताया कि हमारे साथ ये हुआ है। कॉरिडोर में औरतें सोई हुई थी, लाइक वीमेन वर स्लीपिंग इन द कॉरिडोर्स, जिनके पेट में, छाती में, सीने में ब्रेस्ट वर सोर, एंड यू नो देर हैविंग सम काइंड ऑफ स्वेलिंग, एंड वेन दे वुड पी दे वुड फील अनकम्फर्टेबल, कुछ जलन हो रहा था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देर वर कंप्लेंट्स ऑफ वुमेन लाइक दिस। If I am hurt in my private areas, I will never open my legs for the camera. See, I will never be able to prove it, yes, for the public eye, but they will have to, I will have to bank on my MLC reports and you know, all of those checkups and everything. Only they can give a certificate. And there's a lot of shame associated, right? With it, and again and again, all of that shame that comes with that. But again, that all also is in the stronghold of the state. That exactly. All can be manipulated. Whatever, if I have to prove कि मेरा सर फटा है, तो मुझे ऐसे खोल के दिखाना है कि मेरा सर फटा है. But मैं अपनी छाती नहीं दिखा सकती खोल के कि देखो मेरे को यहाँ यहाँ और यहाँ पे ब्रूज है. ये नहीं मैं कर सकती. And that is what they know. Especially with Muslim women, what they will do is कि कपड़े खींचेंगे. और ऐसा होता है, मेरा शॉल खींचा गया, तो there was a moment when I was like, shit, what's happening? Okay. Yes, yes. And ठीक है, because I am always wearing a shawl, so I am always conscious about it. And I will feel uncomfortable without it. That is my right and my choice. What this government has done, what this state has done, is always tried to picture Muslim women as being oppressed, right? As in need of help to be saved from their own fathers, their own husbands, yes, and their own brothers, right? That is what they have portrayed. कि हम पे हमारे ही लोग और हमारा ही religion बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहा है. But अब वही लड़कियाँ उसी लिबास को जिसको आप oppressive बोल रहे थे पहन के जब एक barricade पे चढ़ जाती है ना, तो state के पास कोई response नहीं रहता उनको देने के लिए. And they know कि these women are very much concerned about their bodies. To harm them where they cannot show it, yes, where they feel that they will not come out with it, and that shame is going to stop the women from coming out, but that has not happened.